कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी हम थे सोनप्रयाग की कार पार्किंग में। तो ये कुछ मेरा ट्रैकिंग लुक है, ये मेरा बैग, यहाँ पे लगा दी हमने एक वाटर बॉटल, मेरा मीवी का ब्लूटूथ स्पीकर, ये बैग मैंने मसूरी से अभी ट्रिप पे लिया था, तो ये फाइनली आज यूज हो रहा है। पूरे डिकैथलॉन का सेटअप, टी शर्ट मैंने ये वाली पहनी क्योंकि मेरी काफी ज्यादा फेवरेट है, पैंट शूज सब डिकैथलॉन का है, तो ऑल सेट और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये है सोनप्रयाग की मार्केट। तो यहाँ पे काफी ना रेस्ट हाउसेस वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो। तो वैक्सीनेशन चेक होगी डबल डोज वाली, डबल डोज हम सबको लगी हुई है और ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, बाकी लाइन काफी लंबी है तो देखते हैं, काफी लंबी लाइन है। तो अभी हम थे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के पास। हो गई सर रजिस्ट्रेशन? अच्छा, तीन लोग। तो अभी चल रहा है यहाँ ब्रेकफास्ट, कुछ खाया था नहीं, तो यहाँ से परांठे खा के चलते हैं, ऊपर जो होगा देखेंगे। तो अभी यहाँ से ना हमें कार में कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे टैक्सीज मिलती हैं और ये पूरा स्टैंड है। तो अभी हम बैठेंगे शेयरिंग कैब में और चलेंगे ऊपर। बोलो शंकर भगवान की जय। ये हमें यहाँ से गौरीकुंड लेके जाएगी और उसके बाद गौरीकुंड से हम अपना ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। क्या एस्टीमेट टाइम? एस्टीमेट टाइम करीब 6 से 8 घंटे। आपका पहली बार? मेरा ये जो है इस बार ये छठी बार है। वापस में मौका मिला ना तो तुंगनाथ जी चलेंगे। ट्रैक 16 किलोमीटर। ऑल सेट टू गो। हाउ इज द जोश? हाय सर। सर हमारी तैयारी में आया। लाठी 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 अब लाठी 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 बढ़िया शुरू। तो यहाँ से जो मेन एंट्रेंस है हमारे ट्रैक की स्टार्ट होती है। क्या गलियां हैं, क्या घर हैं। हाँ मजा आ गया, बहुत ही मस्त वाइब्स आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ साइड बाय साइड घोड़ा बुक कर ली लेते हैं, जिसका मन करे बैठ गया। अरे कर लेते हैं भाई घोड़ा घोड़ा बुक। चलो जितने छोटे कदम रखोगे ना उतना कम भगोगे। अच्छा छोटे छोटे कदम रखते रहो, चढ़ते रहो। तो अभी हमने प्लान करा कि मुस्सू और मैं घोड़े से जाएंगे और मैं ट्रैकिंग करूंगा। सीधा वहीं मिलोगे? सीधा वहीं भवन के पास राइड लेंगे ऊपर तक की, सीधा खच्चर से। खच्चर से तो बाय बाय। जय बोलेगी। चलो जी तैयारी कर ले, फिर घोड़ी पे भी बैठना तूने आगे। बहुत जल्द है। तो हमारा जो सफर है केदारनाथ जी का चालू हो चुका है भाई, मजा आ रहे हैं हम बढ़िया। क्या प्लानिंग करके आए थे ना, चढ़ के जाएंगे सब कुछ करेंगे। मैं ट्रैकिंग बैग लेके आया, ट्रैकिंग पोल लेके आया, सनग्लासेस लेके आया, वेस्ट पाउच लेके आया। बाइक राइड नहीं करी, हॉर्स राइड तो कर दो। मोटर व्लॉग बहुत हो गया, मेरा पहला एक्सपीरियंस। इस पे थोड़ी यही होगा कि थोड़ी मीठा पानी आ गया। मीठा पानी पिएंगे, मीठा पानी। भैंस के यहाँ क्रैम्प्स। भाई किधर है, रुक जा। मैं बाइक पे ही सही हूँ, हमारे हेलीकॉप्टर में आएंगे नीचे। तो अभी हम रुके हैं मीठा पानी करके एक जगह है, और यार गोप्रो 09 की तो मैं तारीफ करूँगा। ये जब से स्क्रीन दे दी ना तब से व्लॉगिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। तो अभी यहाँ थोड़ा सा ब्रेक था, तो अभी यहाँ पे खा रहे हैं मैगी। मस्त बढ़िया सा ये 11 किलोमीटर अभी और है। यार देखो हमने ना कभी इतना लंबा चले नहीं, अगर थोड़े बहुत चले भी होते ना तो आदत सी लग जाती है। ये मीठा पानी नाम की जगह थी, वहाँ पे हमने छोटा सा लंच ब्रेक करा, मैगी खाई और अमूल दूध पिया, फ्लेवर्ड इलायची मिल्क, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है अभी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रामबाड़ा, और कुछ ऐसी ये जगह है, ये नया ब्रिज बना है। क्या शानदार व्यू है भाई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो 2013 में घटना घटी थी, पूरा जो मलबा है पहाड़ से वो पूरा यहाँ पे आ रखा। हाँ ये नया रास्ता बना। तो हमने ये सोचा है कि आए तो हम ऐसे हैं वापसी हेली से आ जाएंगे, और अगर मिला तो भाई हमने तो हेली से आना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। यहाँ से हम इस पर आ गए, वहाँ से हेली पे आ गए, और अगले दिन का जो ट्रिप है वो भी सुकून भरा होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखना कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये यहाँ से छोटा लग रहा है पर वहाँ जाके बहुत बड़े हैं। ये देखो भाई रामबाड़ा पूरा ही खत्म हो गया, सिर्फ नाम का रह गया। पहले बहुत सारी यहाँ पे रहने की और छोटे छोटे ढाबे हुआ करते थे। एक ना डिस्कवरी प्लस के ऊपर है केदारनाथ सीरीज टाइप बनावट, तो आप देखना मतलब पूरा जो 2013 में हुआ था उसका पूरा लाइव
जो लोग बचे थे जो सर्वाइव कर गए उनका पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया गया उसमें। बहुत ही गूज़बम्स आएंगे आपको देख के। डिस्कवरी प्लस पे आपको मिल जाएगा। तो ये ब्रेक पॉइंट है यहाँ पे, मतलब रुक सकते हैं। और छोटे छोटे ना पॉइंट्स बने हुए हैं खाने पीने के, अगर आपको भूख लग रही है प्यास लग रही है तो आप यहाँ पे रुक के खा पी सकते हैं। थक गया भाई बैठ बैठ के। अरे पहुँचने वाले हैं क्या हम? हाँ यार भाई, अच्छा अब उतरना में ठीक क्या गर्वाग्राम पराम थे। और कपिल भाई पता नहीं कहाँ है, मे भी शायद वो इवनिंग जो आरती होती है केदारनाथ जी की वो मिस करते हैं। मौसम ठंडा हो रहा है, पराठा बढ़िया लग रहा है, गरम गरम। अब जैकेट वैकेट निकालनी पड़ेगी। हाँ मौसम हो रहा है ठंडा तो निकाल लेते हैं कपड़े थोड़े गर्म। भाई बैग बड़ा शानदार है, मैं तो रेकमेंड करूँगा भाई, अगर कोई आए तो ऐसे बैग जरूर ले लो। जैकेट नीचे डिकैथलॉन का तो भाई मैं फ़ैन हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास डिकैथलॉन की, बढ़िया चलती हैं। कोई नहीं भाई, कानों पे ठंडक नहीं पहुंचनी चाहिए, बाकी सब बढ़िया है, स्वेटर जैकेट सब ओके है, सब पहन लिया। तो अभी बज रहे हैं 3:18 और लगभग 1-1.5 घंटा अभी हमें और लगेगा ऊपर पहुंचने में, और उसके बाद बढ़िया सा रूम लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद आरती होने की वेट करेंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं बेस कैंप और यहाँ पे घोड़ा स्टैंड है, सारे यहाँ पे खड़े हैं, बस यहीं तक हमें उतारेगा, उसके बाद जो हमें अपना सफ़र है पैदल ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। कितना 1 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा? और 1 किलोमीटर यहाँ नेटवर्क आ गए होंगे फ़ोन में लाइक अ प्रो। पैदल ऊपर, अब कोई सवारी नहीं है हमारे पास यहाँ पे, अगर बाइक का परमिट मिल जाए कितना मज़ा आएगा। तो अभी 4 बज चुके हैं, बेस कैंप से हम रवाना हो चुके हैं केदारनाथ जी के टेम्पल की ओर। और ये वाला हेलीकॉप्टर ना कम से कम 50 बार से ज़्यादा देख चुका हूँ मैं। सही बात है। बस आ गए थोड़ी देर के अंदर। हाँ सामने पहुँच जाएंगे। तो बिल्कुल सामने है केदारनाथ जी का टेंपल, जो कि यहाँ से बिल्कुल विजिबल है, बट शायद आप गोप्रो में नहीं देख पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो व्हाट्स ओवर रीज़न, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो करो सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है दबा दो ताकि जब भी मेरा नया व्लॉग आए तो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के दिन का सेकेंड पार्ट वहाँ जाके शूट करेंगे, सीधा भोले बाबा के दर्शन करके। तो मिलते हैं आप सभी लोगों नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, दिस इज़ बॉर्न टू राइड, साइनिंग ऑफ फ्रॉम केदारनाथ।